होता है, दैट मीन्स इस पेंडुलम की लेंथ कितनी है और ग्रेविटी क्या है, एक्सपेरिमेंट हम लोग कहाँ कर रहे हैं, अर्थ पे कर रहे हैं, मून पे कर रहे हैं, है ना। तो हम लोग कहते हैं कि अगर ये दो चीज आप सेम रखते हो तो इसका टाइम पीरियड सेम रहेगा, और टाइम पीरियड सेम है तो फ्रीक्वेंसी भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। ये बात समझ में आ गया ना? ठीक है, इसी तरह से इस ट्यूनिंग फॉर्क का है, इस ट्यूनिंग फॉर्क को कोई भी साउंड सोर्स है, अगर उसकी जो भी नेचुरल फ्रीक्वेंसी आप कैसे भी स्टक करो, उसकी जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी होगी वो सेम होगी, चाहे हार्डली बीट करो चाहे सॉफ्टली बीट करो। इसका मतलब पिच नहीं बदलने वाली है, इंस्ट्रूमेंट नहीं बदलोगे तो पिच नहीं बदलेगी। अगर कोई लड़की मान लो दूसरे कमरे में बोल रही है तो हम लोग पहचान लेंगे कि ये कोई गर्ल की साउंड है, कोई लड़का अगर दूसरे किसी कमरे में बोल रहा है तो हमें पता चल जाता है ये बॉयज का साउंड है, क्योंकि क्वालिटी डिफरेंस रहता है। ठीक है, खैर तो कहाँ गया, ये रहा। ठीक है, तो कह रहे कि साउंड विल बी लाउडर, ठीक है, बट पिच नॉट बी डिफरेंट। ए ऑप्शन इज करेक्ट। आई थिंक समझ में आया होगा कि लाउडनेस बढ़ गई बिकॉज ऑफ एम्पलीट्यूड, लेकिन पिच वही रही क्योंकि साउंड सोर्स आपका सेम है, उसकी जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी होगी दैट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द एम्पलीट्यूड। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट। सोनार, हाँ सोनार, सोनार कौन सा साउंड यूज करता है? अल्ट्रासोनिक वेव्स अल्ट्रासोनिक वेव्स हाँ, गुड गुड गुड। ऑप्शन ए। अगली बार से हम है ना पोल करेंगे, ठीक, और कोई बोलेगा नहीं, बस अपना अपना ऑप्शन टिक करेगा, देखते कितने लोग है ना सही करते। अभी हम पोल लॉन्च करने वाले हैं, ठीक है। तो चौथा क्वेश्चन क्या है आपका, फिर बाद में हम एक्सप्लेन कर देंगे तुरंत, है ना। तो चौथा है साउंड ट्रेवल इन एयर इफ, अपना अपना आंसर सोच लीजिए। अभी हम पोल लॉन्च करने वाले हैं, आपको ऑप्शन ए लगे ए टिक करिएगा, बी लगे बी टिक करिएगा, सी लगे सी टिक करिएगा, डी लगे डी टिक करिएगा, है ना। जो भी आपको ऑप्शन लगता है टिक करिएगा, बाद में एक्सप्लेन करेंगे। तो ऐसे ही इंटरेक्शन बना रहेगा, ऐसे बोलोगे तो पता नहीं कौन बोल रहा है, क्या बोल रहा है, समझ नहीं आएगा, आपको भी नहीं समझ आएगा हमारा आंसर क्या है, आपको ही समझ में आएगा सर। ठीक है, तो अभी हम पोल लॉन्च करने वाले हैं, अपना आंसर आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर फोर, अरे रखो अभी बाद में, बाद में। चौथे का ऑप्शन है ना, तो स्टार्ट इंस्टेंट पोल, ठीक। तो पेट्रोल आपको लॉन्च हम किए। किस, एक मिनट, लॉन्च कर रहे हैं, आएगा आपके सामने आएगा फेबुलर भैया पहले, है ना, हम लॉन्च कर रहे हैं, ठीक है। 30 सेकेंड है, 30 सेकेंड में आपको जवाब देना है, ठीक। चलिए, तो ठीक है, अब आंसर आपको तो पता चल ही गया होगा सबको। हेलो, साउंड जा रही है? यस सर, आ रही है। ठीक है, तो सबके पास, सबके पास सोल्यूशन, सबके पास आंसर गया था ना, कौन सा आंसर सही है? यस सर, यस सर, यस सर। गुड। तो साउंड ट्रेवल इन एयर इफ, है ना, डिस्टरबेंस मूव्स, पहला क्या दे रखा है हमने, पहले देखिए आपको सही करेक्ट करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको रिजेक्शन आना चाहिए, है ना। अगर आपको कंपटीशन बीट करना है, नॉट द लेवल ऑफ स्कूल, ये अगर आपको कोई भी कंपटीशन बीट करना है तो आपका दिमाग शार्पली खतरनाक होना चाहिए, है ना। किसके लिए, आप रिजेक्ट कितना बढ़िया कर लेते हो, है ना, और रिजेक्शन आपकी आएगी जब आपकी प्रैक्टिस रहेगी। जैसे देखिए, पार्टिकल ऑफ मीडियम ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ठीक है,
ऐसा नहीं हो सकता, ये तो पार्टिकल नेचर हो गया। हमने बताया था वेव किसको कहते हैं, वेव हम लोग कहते हैं जब इनर्जी और मोमेंटम का ट्रांसपोर्टेशन होता है वन प्लेस टू अनदर प्लेस विदाउट ट्रांसफरिंग द मीडियम पार्टिकल, बिना मीडियम पार्टिकल के कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन के, उसे हम लोग वेव कहते हैं। तो इसका मतलब साउंड तो वेव है, और पहला जो एक्सप्लेनेशन है ये वेव करेक्टर को जस्टिफाई नहीं करता है। अब आते हैं हम लोग दूसरे वाले पे, ये मैक्सिमाइज करते हैं, हमें भी पूरा दिखे ठीक। तो दूसरा वाला ऑप्शन क्या है आपका, सेकेंड ऑप्शन है देयर इज नो मॉइस्चर इन द एटमोस्फियर, दैट डजंट मीन वेयर इज मॉइस्चर प्रेजेंट और नॉट, गैस का प्रेजेंट होना जरूरी है ठीक है, क्योंकि जो आपकी इनर्जी को वन प्लेस टू अनदर प्लेस ट्रांसपोर्ट करवाते हैं कोलिजन होता है जो आपके एयर पार्टिकल्स होते हैं, उस एयर में मॉइस्चर प्रेजेंट हो या मॉइस्चर प्रेजेंट ना इससे कोई मतलब नहीं है। वो ऑक्सीजन भी पहुंचा सकता है कोलिजन के थ्रू, नाइट्रोजन भी कोलिजन के थ्रू पहुंचा सकता है ना, आपकी एनर्जी को ट्रांसमिट कर सकता है वन प्लेस टू अनदर प्लेस। नाउ सी तो सही कर है, डी वाला बोथ पार्टिकल एज वेल एज डिस्टर्बेंस ट्रेवल, हाँ पार्टिकल जहां ट्रेवल करने की बात कर रहा है ये गलत कह रहा है ना, पार्टिकल ट्रेवल नहीं करता है, अदरवाइज ये पार्टिकल नेचर हो जाएगा, वेव नेचर नहीं होगा। फिर से रेडी हो जाइए आप लोग है ना, फिर आपको 30 सेकेंड मिलते हैं ठीक। अच्छा ड्यूरेशन नहीं है। करेक्ट वालों का डिस्प्ले हो रहा है, 15 लोग करेक्ट हैं, गुड ठीक है। तो लाउडनेस इंक्रीज करी जा सकती है बिकॉज ऑफ एम्पलीट्यूड ठीक है। आई यू सेंड रिक्वेस्ट, बीचवा क्लासवा में रिक्वेस्ट भेजेंगे। नेक्स्ट सिक्स्थ के लिए रेडी हो जाइए, आपके पास कैलकुलेशन 30 सेकंड समझने के लिए और 30 सेकंड हम पोल लॉन्च कर रहे हैं ना। क्वेश्चन नंबर 6, तुलीराज कोई चीटिंग नहीं करेगा, वरना अगली बार से जब क्वेश्चन हम सेंड करेंगे ना तो पता नहीं रहेगा कहाँ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 इसमें अभिषेक यादव है ना सबसे तेज आंसर देने वाले हैं, और ओम प्रताप सिंह सेकेंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे विवेक ठीक है। अब जिनको नहीं आया उनको हम एक्सप्लेन कर देते हैं इस चीज को। अरे भाई काम करो, देखिए सबसे पहले आपको जानना है क्या पूछा गया है कि हाफ ऑफ द वेवलेंथ ठीक है। बड़ा कर दिया ठीक है, इसमें हाफ ऑफ द वेवलेंथ कहा गया है। अब देखिए जो कंप्लीट साइकिल होती है, जैसे मान लीजिए कि हम लोग कहते हैं कि ये सपोज मेन पोजीशन हो गई और ये आपका वेव हो गया, दैट इज द हाफ साइकिल, ये आपका हाफ साइकिल है,
और ये एनदर हाफ साइकिल है, जो ये कंप्लीट साइकिल है, इनके जो बीच की लेंथ होती है उसे हम वेवलेंथ कहते हैं, लैम्डा कहते हैं। इसका मतलब कि ये पूरा एक वेवलेंथ हो गया, दैट इज लैम्डा। और अगर हम बात हाफ साइकिल की करें तो हाफ साइकिल का मतलब लैम्डा बाई टू हो गया, ये लैम्डा बाई टू हो गया, दैट इज अ हाफ साइकिल। और अगर हम इसके भी हाफ की बात करें, वन फोर्थ की बात करें, ये सपोज ये वन फोर्थ है, तो ये लैम्डा बाई क्या हो जाएगा, फोर हो जाएगा। तो हम लोग ऐसे ही सोचते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में सोचते हैं कि ये आपका वन फोर्थ साइकिल, एनदर वन फोर्थ, एनदर वन फोर्थ यहां तक हो जाएगा और एनदर वन फोर्थ यहां तक हो जाएगा। तो ये क्या होगा आपका, दैट इज फोर क्वार्टर साइकिल, चार क्वार्टर साइकिल होगा, है ना। तो आप ये देखो कि जो पहला रेखा ए से लेके बी, अब ए आपका यहां है और बी यहां है, तो ये लैम्डा बाई फोर हुआ, ना कि हाफ ऑफ द वेवलेंथ हुआ। इसका मतलब ये ऑप्शन आपका क्या हो गया, दैट इज इनकरेक्ट। बहुत पतला लिखा है, दैट इज इनकरेक्ट। इसी तरह से बी डी, बी से लेके डी तक बिल्कुल सही है ना, बी से ये क्वार्टर साइकिल हो गया और सी से डी ये क्वार्टर साइकिल हो गया, तो बी से सी, जो बी से सी हो गया दैट इज सिंगल क्वार्टर और ये क्वार्टर यहां हो गया, तो दैट इज द टू क्वार्टर, मतलब वन हाफ हो गया। इसका मतलब ये ऑप्शन क्या है आपका, करेक्ट है। और डी ई की बात कर लेते हैं, तो डी से ई दैट इज क्वार्टर साइकिल, नॉट अ कंप्लीट साइकिल। इसी तरह से आपका हो गया, ये भी आंसर नहीं हो सकता, ए से ई, ए से ई पूरा वेवलेंथ लैम्डा हो गया, तो ये लैम्डा है और ये लैम्डा बाई फोर था, और ए से बी ये भी लैम्डा बाई फोर था, सिर्फ और सिर्फ लैम्डा बाई टू ये वाला ऑप्शन था, तो दैट इज बाकी ऑप्शन गलत है और ये आपका ऑप्शन सही हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। वो तो उधर होगा, कहाँ गया, इधर। सेवेंथ, अर्थक्वेक, भूकंप, ठीक है। सोर्स ऑफ शॉक वेव बिगिन। अब आप लोग तैयार हो जाइए, हम खड़ाक से पोल लॉन्च कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर सेवन है, समीक्षा सिंह नंबर वन, ठीक। तो 12 लोग बी ऑप्शन दिए हैं ना और 9 लोग ए ऑप्शन। खैर ये देखिए जीके टाइप का क्वेश्चन है, इसमें आपको मतलब जीके जीके होता है, ठीक है। तो जो भी अर्थक्वेक है ना, इंफ्रा साउंड प्रोड्यूस होती है, यही वजह, अगर ऑडिएबल सपोज इसमें कुछ ऑप्शन तो हम लोग रिजेक्ट कर ही सकते हैं, ऑडिएबल साउंड होती नहीं, अर्थक्वेक आता है तो हमें पता तो चलता नहीं है, क्योंकि अगर ऑडिएबल होती तो हम लोगों को भी सुनाई देता, लेकिन हम लोगों को नहीं सुनाई देता है, ठीक है, ह्यूमन बींग को नहीं सुनाई देता, लेकिन कुछ जानवर ऐसे होते हैं जिनको सुनाई देता है ये, है ना, और वो पहले से अलर्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो उनको, जानवरों को पहले से पता रहता है कि मतलब कुछ अर्थक्वेक या कुछ आने वाला है, जिससे हम लोग इंस्पायर होते हैं या हम लोग समझते हैं उस चीज को। खैर जो जानवरों के बारे में ज्यादा पढ़ते हैं उनको पता होगा। तो इंफ्रा साउंड होता है ना, ऑडिएबल तो होता नहीं है, नन ऑफ अबव ऑप्शन है नहीं, आपका क्या होगा, इंफ्रासोनिक होता है। एट्थ के लिए देखिए, ये भी जीके टाइप का है, जो ये इंफ्रा साउंड होता है ये राइनो है ना, जो ऑप्शन दिया है सी ऑप्शन, राइनोसोरस, ठीक है, इन्हें सुनाई देता है, डॉग बैट ह्यूमन बींग तो ऐसे भी नहीं सुनाई देगा, इंफ्रा इनको सिर्फ क्या होता है, ऑडिएबल रेंज 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज तक सुनाई देता है, ठीक है। तो एट्थ ऑप्शन हम लगा नहीं रहे। नाइन्थ में देखिए, बिफोर प्लेइंग द ऑर्केस्ट्रा इन म्यूजिकल कंसर्ट, ठीक है, पढ़ लीजिए आप लोग,
क्या चीज सर? इंफ्रारेड साउंड मतलब किस टाइप का साउंड होता है? लाइटनिंग टाइप का? देखो जिसको हम लोग फील नहीं कर सकते हैं, ठीक है, उसको कैसे तुमको फील कराया जाए? सर बोल दीजिए। तो सर वही नाइन्थ का पोल, नाइन्थ का पोल दे रहे हैं। तेरह, नौ लोग सही है, 13 लोग गलत है। चलिए बताते हैं। तो क्लसवा के बीच में सबको याद आता है कि अब ज्वाइन करना है, लगता है कि ऑनलाइन क्लास लेना ही पड़ेगा। कॉलेज के लड़का लोग अपना ही फायदा नहीं सोचते कि का फायदा करना। सर हम लोगों को नहीं पता था कि बीच में तो पिकना। अब देखो यहाँ पे ये पोल वाली सुविधा है, बाकी पे नहीं है, तो हम चीजों को इंटरेक्टिव कैसे बना सकते हैं, है ना? हमारे पास सर अच्छा है। यस सर, ठीक है, अभी हम सब्जेक्ट डिस्कस करेंगे। खेल रहे हैं। अभी तो अनप्लान्ड, थोड़ी सी प्लान्ड थी, है ना? इसके बाद हम प्लान करें, क्लास करें, बहुत अच्छी क्लास होगी ये वाली। अब देखिए इसकी इसको एक्सप्लेन करना है। एक्चुअली जितने भी थ्रेड्स होते हैं, जैसे आप देखते हो कि ढोलक आपने देखा होगा या सितार देखा होगा, सितार को टाइट करते हैं ताकि स्ट्रिंग एकदम टेंशन, उसका टेंशन बढ़ जाए स्ट्रिंग में। ढोलक को भी पीछे से टाइट करते हैं और जब बजाते हैं धम धम आवाज, वाइब्रेशन बढ़ जाता है ना। नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन वन सेकेंड आर इंक्रीजेस बाय इंक्रीजिंग द टेंशन। तो टेंशन क्या करता है? टेंशन आपको आपका फ्रीक्वेंसी चेंज करता है। जितना ज्यादा टेंशन होगा, एक रिलेशन होता है, फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ द टेंशन। टेंशन को आप 4 times करोगे अगर, तो फ्रीक्वेंसी 2 times हो जाएगी। मतलब हमें जानना क्या है क्वालिटेटिवली, Whenever you increase the tension, frequency get increases. इसका मतलब पिच बदल जाएगी। ये बात समझ में है ना? तो इस क्या होता है, आपको टेंशन से रिलेशन पता होना चाहिए कि कैसे चेंज हो रहा है। तो आपका जो ये क्वेश्चन था, बिफोर प्लेइंग ऑर्केस्ट्रा म्यूजिकल कंसर्न सितार है ना ट्राइज एडजस्ट द टेंशन। जब टेंशन एडजस्ट करेगा, इसका मतलब वो फ्रीक्वेंसी एडजस्ट कर रहा है, कम या ज्यादा कर रहा है ना। अगर टेंशन कम करेगा तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अगर टेंशन बढ़ाएगा, जैसे ढोलक बजाते समय कभी देखा होगा आपने, है ना, टेंशन टाइट करते हैं, या फिर वो अभी तो हम पिक्चर ऑनलाइन लगाना पड़ेगा हमको, ठीक है, लगाना, ठीक है। तो टेंशन बढ़ा के हम लोग फ्रीक्वेंसी बढ़ा लेते हैं जरूरत के हिसाब से, जैसी चाहिए वैसा एडजस्ट कर लेते हैं। तो हम लोग ये जो एग्जाम्पलर प्रॉब्लम होंगे, ये सारे हो गए। अब इनके हम क्वेश्चन देखते हैं, शॉर्ट टाइप ये क्वेश्चन देखते हैं या करवा देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10, द गिवन ग्राफ shows the displacement versus time relation for disturbance. हाँ, ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग कि इस क्लास में आप एनरोल कर लीजिए। क्लास अगर ऑफलाइन भी चलती है, आपकी स्कूल में चलती है, तो ऑनलाइन हम ऐसे ही यहाँ करवा देंगे, प्रॉब्लम करवा दिया करेंगे। जैसे एग्जाम्पलर स्कूल में करवाने का टाइम नहीं मिलता है आपको, क्वेश्चन दिखाने का टाइम नहीं मिलता है ना, तो वो सारी चीजें सॉर्ट आउट कर सकते हैं हम लोग ऐसे डिस्कस करके, ठीक है। तो इस प्लेटफॉर्म पे रहिए, एनरोल करा लीजिए। बार बार आपको ज्वाइन करने की जरूरत है ही नहीं है। ये नहीं कि हम आप आ रहे हो, हम सबमिट करते चले जा रहे हैं बेवकूफी, है ना। सीधे क्लास में रहिए, हम ऑनलाइन, आप ऑनलाइन, सब लोग ऑनलाइन, क्या? यस सर, इसी लिंक से मतलब करेंगे। हाँ, बस हम ऑनलाइन आ गए, आप बस क्लास में आ जाइए, इंटर हो जाइए, बस क्लास स्टार्ट। कोई एक्सेप्टेंस नहीं, कोई किसी को एक्सेप्ट करेगा नहीं, निकालेगा, बदमाशी करो तो निकाल देंगे, बस यही दिक्कत है, ठीक है। देखो
The given graph shows the displacement versus time relation for disturbance traveling with velocity 1500 meter per second. ठीक है, अब 1500 meter per second है, तो क्या ये sound, अरे क्या ये जो wave है क्या air में चल सकती है? ये साउंड वेव हो सकती कि नहीं हो सकती इन एयर? आंसर है नहीं. अच्छा चलिए, पहले तो हम इसको क्रॉप करके हम उधर ले जाए अपने लिखने के लिए. क्वेश्चन नंबर 10. हाँ इसी क्वेश्चन की बात कर हम लोग. अब देखो, अब इस ग्राफ से हमें क्या फायदा होने वाला है? ग्राफ से जो डेटा हमें मिल रहा है ना, ग्राफ से हमें एम्पलीट्यूड नहीं पता चला. अगर ये दिया रहता है ना, ये डिस्टेंस मार्क किया रहता तो हम कह देते कि ये एम्पलीट्यूड होगा, लेकिन हमें एम्पलीट्यूड नहीं पता चल पा रहा है इस ग्राफ से, आई थिंक, है ना. हमें पता क्या चल रहा है कि एक कंप्लीट साइकिल कितने टाइम में हो रही है. तो देखिए, ये 1/4 हो गया, अगला 1/4, फिर अगला 1/4, अगला 1/4. इसका मतलब 1 सेकेंड से लेके 3 सेकेंड तक ये टाइम हो गया 2 सेकेंड. तो 2 सेकेंड में ये एक कंप्लीट वेव ट्रेवल कर रही है, मतलब ये टाइम पीरियड है. यहां से हम अच्छा सेकेंड नहीं है, माइक्रो सेकेंड है, सॉरी 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 यूनिट देखिए माइक्रो सेकेंड है. इसका मतलब देर आर 2 माइक्रो सेकेंड टाइम पीरियड दे रखा है हमें. फ्रीक्वेंसी हम लोग निकाल लेंगे, तो यहाँ से डेटा हम नोट कर लेंगे हमारे कौन है जी. तो हम कहेंगे जो टाइम पीरियड है t इक्वल्स टू कितना है, 3 माइनस 1 से माइक्रो सेकेंड. ये ध्यान रहे हैं, माइक्रो सेकेंड है, मतलब 2 माइक्रो सेकेंड, और माइक्रो सेकेंड का मतलब 10^-6 सेकेंड. 10^-6 सेकेंड. अभी एसआई यूनिट आ गए. जब भी आप डेटा हैंडल करते हो तो आपको पता होना चाहिए कि हमें एसआई यूनिट में सारे इंफॉर्मेशन लिखने हैं, आंसर लिख, क्योंकि हमें पता ही नहीं रहेगा अदरवाइज. कोई पता लगा सीजीएस में चल रहा है, कोई एफपीएस में चल रहा है, कोई एसआई में चल रहा है, कोई आर्बिट तरीके से चल रहा है, तो हम लोग कैसे करेंगे? इसीलिए एसआई यूनिट में लाके हम लोग कैलकुलेशन करते हैं. अच्छा, ये आपके पास टाइम पीरियड आ गया, इस इन्फॉर्मेशन से आप फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो जरूरत है तो. आपको वेलोसिटी, वेव वेलोसिटी दे रखी है वी 1500 मीटर पर सेकेंड. क्या इसको कन्वर्ट करने की जरूरत है? आंसर है नहीं, ये तो एसआई यूनिट तो है ही अपने पास. ठीक है, निकालना क्या अपने आपको? वेवलेंथ निकालना है. अच्छा सर, अगर सीजीएस यूनिट अगर रहे, अगर किसी भी प्रॉब्लम में अगर सीजीएस यूनिट रहे तो उसको, अगर आंसर अगर सीजीएस यूनिट में आया है तो उसको फिर मीटर पर सेकंड में, मतलब एसआई यूनिट में चेंज करेंगे. हाँ, जब आप एसआई यूनिट में चेंज कर दीजिए बेटर है ना, वो आंसर ज्यादा स्टैंडर्ड है ना, स्टैंडर्ड नोटेशन में रहिए. तो देखिए, यहाँ पे हम लोग जानते हैं वेव स्पीड में रिलेशन वी इक्वल टू क्या होता है, बोलो. वी इक्वल टू एफ लैम्डा होता है, सब जानते नहीं जानते हैं? वी इक्वल टू एफ लैम्डा, और f होता है फ्रीक्वेंसी, जिसे 1/टाइम पीरियड कहते हैं. हमने डेरिवेशन करवा रखा है. तो यहां से लैम्डा क्या हो जाएगा, v इंटू टी हो जाएगा. अब इतना समझ में आना चाहिए. अब वैल्यू प्लेस करना है बस, तो वैल्यू प्लेस कर देंगे क्या हो जाएगा आपका, बोलिए. ये हो जाएगा आपका लैम्डा इक्वल टू v हो गया 1500, और ये हो गया 2 × 10^-6. हम आ गए क्या सर? 3 × 10^-3. अब जो भी आया, अब यहाँ से हम 15, 30 और 2 0 और आ गया 10^-6 मीटर. अब देखिए, ये जो 3 0 है, इस 3 0 को कम कर देंगे, तो दैट इज 3 × 10^-3 मीटर. अच्छा, कोई इसको 3 मिलीमीटर लिख दे, आंसर एक्सेप्टेबल है ना? आप आंसर ऐसे ही में रखिए, बेटर है. क्या है सर? +3 होगा ना? -6 + 3 - 3 होता है कि +3 होता है जी? कौन है सर? 3 × 10^3 सर, -2 यहाँ पे कैसे होगा? -6 भी था ना, इसको भी तो देखो, इसको -6 बड़ा है -3 से. अच्छा हाँ, अब डायरेक्ट लिख दिए वो, हमको लगा है. समझ में आ गया इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत? देखो, इस ग्राफ से हमें क्या मिल रहा है, बस ये ध्यान दो इस ग्राफ से. अच्छा, ये हम पीडीएफ भेज ही देंगे, ठीक है, ग्रुप में डाल देंगे. चलो,
अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें हम क्वेश्चन यहाँ लगा तो रखेंगे। तो अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पे, और ये क्वालिटेटिव क्वेश्चन पूछ रहा है। क्या कह रहा है? विच ऑफ द अबव टू ग्राफ ए एंड बी रिप्रेजेंट द ह्यूमन वॉइस इज लाइकली टू बी द मेल वॉइस, गिव द रीजन। इसका आंसर कहाँ दिया था अभी? इसे माइनस प्लस फाइव दिए है सब यहाँ पे। अरे इसमें किसी को समझ में आ रही है बात? बोलो जी, कुछ नहीं आ रही है। जो ह्यूमन वॉइस होती है ना, उसकी फ्रीक्वेंसी जनरली कम होती है, आराम से बोलते हैं लड़के चाचा चाचा, उनकी फ्रीक्वेंसी बहुत हाई होती है ना, तो लड़कियों की फ्रीक्वेंसी हाई होती है तो टाइम पीरियड कम होगा, और फ्रीक्वेंसी कम होने का मतलब टाइम पीरियड ज्यादा होगा। तो देखो इसमें किसका टाइम पीरियड ज्यादा दिख रहा है, जो ये वाला कलर है, अच्छा यहां तो लिख नहीं सकते हम, जो ये कलर्ड है कौन सा है? ऑरेंज। ऑरेंज का एक साइकिल ज्यादा देर में कंप्लीट हो रहा है, और ये ब्लू जो है, एक्वा कहेंगे, ब्लू नहीं कहेंगे, जो एक्वा कलर का ग्राफ है मतलब बी वाला, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? ज्यादा है। फ्रीक्वेंसी ज्यादा होने का मतलब पिच ज्यादा है, तो हाई फ्रीक्वेंसी जितनी गर्ल्स होती हैं है ना, लेडीज वाइस होती है, उनकी हाई फ्रीक्वेंसी होती है, जबकि मेल की जो वाइस होती है और उनका लो पिच होता है, मतलब उनकी फ्रीक्वेंसी कम होती है, टाइम पीरियड ज्यादा होता है। तो जो ऑरेंज वाला ग्राफ है दैट रिप्रेजेंट द मेल वाइस, और जो एक्वा ग्राफ है दैट रिप्रेजेंट द गर्ल्स वाइस, या जो भी कहा गया हो, फीमेल कहा गया, मेल कहा गया, जो फीमेल लिखा नहीं, फीमेल वाइस होगी। समझ में आ गया? ये बात लिख लेना तुम लोग, क्या जो मेल वाइस होती है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है? दैट हैव द लेस पिच, लो फ्रीक्वेंसी होती है, ज्यादा टाइम पीरियड होता है। ये आप लोग नोट्स बना लीजिएगा, क्लास कब तक चलनी है पता चले, तुम्हारा दूसरी क्लास स्टार्ट होगी, हम क्लास ये लेते रहे तुम लोग आराम से। हो गया टाइम सर, सिद्धि है क्या? मजा आ रहा है सर, कंटिन्यू करिए। यस सर कंटिन्यू करिए। अरे कंटिन्यू क्या करे, मुझे डांटने नहीं की, मेरा पर्सनल वाला रहता तो चलता, कोई दिक्कत नहीं है। देख लेते हैं क्लास का टाइम दिए थे ज्वाइन के लिए। पीयूष सर 11:20 तक थे जी, कितना हो गया है? 11:30 हो गया, दूसरे क्लास में इंटर करना है। चलो ठीक है, अगली बार हम लोग मिलेंगे, हो सकता है स्कूल की तरफ से, हो सकता है हम लोग पर्सनल मिलेंगे, है ना? बाय सर, क्लास सर।